गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टुडे आवर टॉपिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग। सेकेंड पार्ट में हम आज ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले तो किसी भी सैंपल को एनालाइज करने के लिए या किसी भी वेस्ट पदार्थ को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है। ऑब्जेक्ट क्या कहता है? ऑब्जेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए? यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्ट, द एम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज टू कलेक्ट। द एम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज टू कलेक्ट ट्रीट, कलेक्ट करेंगे सैंपल को, सॉलिड वेस्ट सैंपल को ट्रीट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, कंट्रोल एंड डिस्पोज द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट इन द इकोनॉमिकल मैनर कंसिस्ट विद द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। इन द इकोनॉमिकल मैनर कंसिस्टेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप कंसिडरेशन, द मेजर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कंसिडरेशन। क्या कंसीडर करना है? द मेजर कंसीडरेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट का मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिकल और पब्लिक हेल्थ। क्योंकि अगर सॉलिड जो वेस्ट है उसका हम मैनेजमेंट अगर सही तरीके से ना करें तो उसका जो इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट है वो पब्लिक हेल्थ पर होगा। वेस्ट कलेक्शन इज सेपरेशन फॉर रिसाइकलिंग। देन मैनेजमेंट के बाद हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट के लिए एक प्लान प्रिपेयर करेंगे कि हमको कहाँ पर उस सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद सेपरेशन करना है, देन रिसाइकलिंग करना है, एनर्जी रिकवरिंग एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। और इस तरीके से हम सॉलिड वेस्ट से जो पब्लिक हेल्थ हो सकता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो सकता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजमेंट करेंगे। कंसिडरेशन में स्टेप जो है मैनेजमेंट करेंगे, सॉलिड वेस्ट को हमको कहाँ पर रखना है, इकोनॉमिकल हेल्थ, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगा पब्लिक हेल्थ पर, और इट्स सेपरेशन फॉर रिसाइकलिंग, एनर्जी रिकवरिंग एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। फर्स्ट इज अ पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट, पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट। पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट के अंतर्गत इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, पब्लिक हेल्थ पर इफेक्ट अगर डाल रहा है सॉलिड वेस्ट तो उसका रीजन है कि इम्प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं हम उसको, प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट इज अ हेल्थ हजार्ड एंड कॉसेस डैमेज टू द एनवायरमेंट। द मेन रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ अराइज फ्रॉम द ब्रीथिंग ऑफ डिसीज, श्वसन से संबंधित रोग होंगे जो मेन इफेक्ट होगा सॉलिड वेस्ट का ह्यूमन के बॉडी पे या ह्यूमन के हेल्थ पे, फ्रॉम द ब्रीथिंग ऑफ डिसीज। वैक्टर लाइक फाइल्स
मॉस्क्यूटो बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट होंगे और एंड रोडेंट। सॉलिड वेस्ट आर आइडियल ब्रीथिंग प्लेस फॉर पैथोजेनिक अ कॉमन ट्रांसमिशन रूट ऑफ एबोमिक डिसेंट्री एंड डायरिया डिसीज इन इंडिया इज फ्रॉम ह्यूमन फेसेस बाय फॉइल्स टू फूड और वाटर एंड दे टू मैन। इट्स हैज बीन एस्टिमेट दैट वार्म क्लाइमेट एक्सपोज गार्बेज प्रोड्यूस अस मैनी 70,000 फॉइल्स पर 0.03 meter cube इन अ वीक। द रिफ्यूज डम्प ऑल्सो सर्व एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर रेट्स एंड स्मॉल रोडेंट विच क्विकली एंड स्प्रेड डिसीज लाइक एंडेमिक टाइफाइड सेल्मोनिया ट्राइक्लोरोनिसिस ईटीसी। अपार्ट फ्रॉम डिसीज द हैंडलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट प्रोसेस अट्रीट टू वर्कर्स इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट हैज रिजल्ट इन द डेट ऑफ मैन एंड एनिमल कंटेमिनेटिंग अ क्रॉप और वाटर सप्लाईज। पब्लिक हेल्थ पे जो एस्पेक्ट हो सकता है सॉलिड वेस्ट का उसे हमने अभी देखा और नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं कि वेस्ट सेपरेशन फॉर रिकवरी एंड रिसाइकलिंग कैसे करना जरूरी है। वेस्ट जो है सॉलिड वेस्ट जो है उसका हम क्या करेंगे सेपरेशन फॉर रिकवरी वेस्ट सेपरेशन फॉर रिकवरी एंड रिसाइकल। रिसाइकलिंग वेस्ट सेपरेशन फॉर रिकवरी एंड रिसाइकलिंग। वेस्ट को हम कैसे सेपरेट करेंगे सेपरेट करने के बाद उसको रिकवर कैसे करेंगे और रिकवरिंग के बाद उसको रीयूज या रिसाइकलिंग में कैसे लाएंगे देख लेते हैं। एक्सपेंसिव मटेरियल सच एज सम मेटल्स आर फाउंड टू बी इकोनॉमिकल टू रिसाइकलिंग बाई इंडस्ट्री। सेपरेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स इज वांटेड एंड फ्लेक्सिबल ओनली वेन द रिक्लाइमेड मटेरियल फाइंड रिजनेबल मार्केट। दिस कंसेप्ट इज रिसीविंग इंक्रीजिंग अटेंशन ड्यू टू लैंडफिल कैपेसिटी इकोनॉमिक इम्प्रॉपर मार्केट फॉर द रिक्लाइम्ड मटेरियल इन्वायरमेंट कंसर्न इट सी मैथड फॉर सेपरेशन बाई ड्राई मैथड से हम सब सेपरेट कर सकते हैं पल्वस्ड मिक्सड रिफ्यूज एंड बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज साइज डाइवर्सिटी इंटीरियर कंडक्टिविटी ईटीसी। सेपरेशन के डिफरेंट मैथड हो सकते हैं क्या कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं ड्राई कर सकते हैं अगेन मिक्स कर सकते हैं कैसा मिक्स कर सकते हैं पल्वराइज्ड मिक्स कर सकते हैं। थर्ड है जो होगा इन्वायरमेंटल कंसर्न ईटीसी मैथड ऑफ सेपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो सकता है डाइवर्सिटी सेम टाइप के गार्बेज को हम सेपरेट कर सकते हैं अगेन कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ईटीसी। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं एनर्जी रिकवरी दैट मींस रिकवरी ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल वेस्ट कैन बी अचीव बाय टू वे। एनर्जी को हम रिकवर करेंगे म्युनिसिपल वेस्ट से दो प्रकार से। पहला प्रकार यह है कि सॉलिड वेस्ट कैन बी बर्न डायरेक्टली इन इंसिनरेशन एंड कन्वर्ट टू मोर इफिशियंसी रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल आर डी एफ प्रोसेस से। व्हाट इज आर डी एफ इज अ रिफ्यूज derived fuel pyrolysis and anaerobic decomposition of organic matter refuse derived and fuel
कन्वर्ट टू मोर एफिशिएंसी रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल पायरोलिसिस पायरोलिसिस एनारोबिक रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल पायरोलिसिस इन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. इन्वेस्ट कहाँ का ऑर्गेनिक मटेरियल, कहाँ का ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करेगा? वेस्ट पदार्थ. कैसा वेस्ट? सॉलिड वेस्ट. अगेन अवेलेबल फॉर रिकवरिंग द फ्यूल वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट. अवेलेबल फॉर रिकवरिंग द फ्यूल वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट. सेकेंड पॉइंट इज अ reuse of the recovery, reuse of the recovery material from solid waste in the other principal mode of energy conversion. Obviously mining and manufacture of ferrous and non-ferrous metal starting from mining of ores is so energy intensive that reuse of this metals is certainly justified from the standpoint of energy conversion. Energy को हम कैसे convert कर सकते हैं? Reuse of the recovered material से. Recovered material from solid waste.